गाइस माय नेम इज आशीष। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल मूवमेंट क्या आने वाला है। कल मतलब कि मंडे में मूवमेंट क्या हो सकता है, या मंडे मानो या ये पूरे वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी में निफ्टी बैंक निफ्टी ना कोई मूवमेंट ही नहीं है बहुत दिनों से। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपना एक रेंज बना लिए हैं और सेम टू सेम वही रेंज में ना ये खेल रहे हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम, अगर आप चेक करो यहाँ पे, तो एक मिनट इसको ना रिमूव कर देता हूं मैं। निफ्टी बार बार यही लेवल पे वापिस आता है, वापिस यही लेवल पे, एंड एक ये लेवल है इसकी, इसको ब्रेक करता है। ओके, ये लेवल को ब्रेक करता है, देन अगेन यही लेवल से वापिस बाउंस बैक कर जाता है। वापिस से आया, इसी दिन वापिस इसी लेवल को ब्रेक किया, देन नीचे आया, देन वापिस इसी लेवल से ना अगेन ये बाउंस बैक कर गया। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी ये वाली है, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब तक अगर निफ्टी ये लेवल ब्रेक नहीं करता, तो मैं कहता हूं कि आप ना शॉर्ट सेल की तरफ मत जाओ। जिस दिन अगर निफ्टी ये लेवल ब्रेक करेगा, जितना मुझे लग रहा है कि मंडे को आई थिंक वापस एक निफ्टी नीचे आ सकता है और अगेन ये ब्रेक अगर ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट सेल के लिए जाओ। अदरवाइज ना आप सिर्फ निफ्टी को वॉच करते रहो। अगर आपको सिर्फ इंट्राडे करना है, आपको छोटे मोटे टारगेट चाहिए, तो आप ना छोटे मोटे टारगेट ले सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो यहां से इतना आप टारगेट ले सकते हो ये वाली लेवल तक के। लेकिन अगर आप एक बिग प्लेयर की तरह खेलना चाहते हो, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे स्टॉप लॉस कम चाहिए लेकिन उसके कंपेयर में मेरा जो टारगेट है वो बड़े रहने चाहिए, बोलने का मतलब है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपका बड़ा रहना चाहिए, तो आपको ये लेवल तक की कुछ नहीं करना। और अगर हम बाय की तरफ देखें तो निफ्टी का एक अपना एक जोन बना लिया है उसने ये लेवल की, और अगर निफ्टी ये ब्रेक करता है, अगर निफ्टी कल ऐसे जाके अगर ये ब्रेक करेगा तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हो, मतलब मंडे को। या अगर मंडे को अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता, मान लो अगर ये मंडे को ब्रेक नहीं कर पाता, मंडे को भी सेम ये यही लेवल से ऐसा खेल जाता है, तो ट्यूसडे के लिए भी सेम एनालिसिस यही रहेंगी निफ्टी के लिए। जब तक निफ्टी ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक निफ्टी के अंदर ना ही बाय की अपॉर्चुनिटी है और ना ही सेल की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप बाय के लिए जाते हो, अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक करता भी अपना ये वाली लेवल, तो मैं कहता हूं अगर आप फ्यूचर बाय करते हो तो ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, यहां से अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो मैं कहता हूं यहां पे कॉल बाय के जगह आप ना पुट शॉर्ट कर देना। आप पुट शॉर्ट कर देना, आपकी चांसेस ना बढ़ जाएंगे प्रॉफिट के लिए। क्यों, इसका भी बता देता हूं आपको। क्योंकि अगर मार्केट यहां से देखो, अगर ये ब्रेक होता है तो देखो यहां जाने का मार्केट साइडवेज हुआ है, तो अगर आप पुट शॉर्ट करते हो और मार्केट मान लो अगर साइडवेज भी होता है तो थोड़ी बहुत आपको ना वहां पे चांसेस ये प्रॉफिट के बिकॉज ऑफ प्रीमियम डिके। और अगर आप कॉल बाय करते हो, अगर आप कॉल बाय करते हो यहां से और मान लो एक मार्केट से थोड़ा ऊपर गया, देन अगर सडनली ये फॉल हो गया तो ना लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना, ये वाला या ये वाला, इसके विदाउट स्टॉप लॉस ना ट्रेड मत करना कॉल के लिए। और जितना मुझे लग रहा है, मुझे निफ्टी लगभग ना बेरिश देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं बायर्स नहीं, मैं सिंपल अगर ये ब्रेक होगा तो शॉर्ट करेंगे और ये लेवल ब्रेक होंगे तो बाय करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी काफी अच्छा स्ट्रक्चर बन चुका है। और जितने बार भी ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं ना, मैं तभी ट्रेड करता हूं, मतलब कि एक मेरा सेटअप बन जाए उसके बाद ही मैं ट्रेड करता हूं। आप देखो यहां पे हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये क्यों बनाए ये भी बता देता हूं आपको। यहां से 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करो, मार्केट को ना थोड़ा मतलब चार्ट को थोड़ा स्मॉल करो, और यहां से आप देखो कि आपको ये वाली लेवल कितनी क्रूशियल लग रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक कर ही नहीं पा रहा, बैंक निफ्टी आता है एंड वापिस यही लेवल पे ना आके रुक जाता है। एंड ऊपर से अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाए, ऊपर से अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाए, तो ये ट्रेंड लाइन आपकी बैंक निफ्टी में चल रही है कि बार बार अगर निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी ऊपर आ रहा है यहां से और यही लेवल से ना वापस फॉल हो रहा है, देन यहां से वापस बाउंस बैक किया, वापस यही लेवल से अगेन ये फॉल हुआ, देन ऊपर जाने की कल कोशिश किया लेकिन अगेन ये यही ट्रेंड लाइन से ब्रेक हुआ। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक आप बैंक निफ्टी में बाय की अपॉर्चुनिटी मत देखो। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और मार्केट कुछ इस प्रकार से वापस रिटेस्ट करके ऊपर भागता है तो आप इसको जाओ, और अगर मार्केट ना यहां ब्रेक कर देता है तो आप इंट्रा डे के लिए तो आराम से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको अगर स्विंग करना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो मैं कहता हूं एक बार ब्रेक होगा देन अगर नीचे आता है और अगर ये रिटेस्ट करके ऊपर जाता है ना, तो आप अगर लॉन्ग पोजिशन के लिए यहां तक जा सकते हो। और अगर ये भी ब्रेक कर देगा निफ्टी
मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को ब्रेक कर देगा, उसके बाद आप ना ये लेवल तक आराम से जा सकते हो, आपको ना बैंक निफ्टी ये लेवल तक के देखने को मिल जाएगा। तो ये थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और अगर इसी को हम शॉर्ट के लिए देखें बैंक निफ्टी को, तो सिंपल अगर जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होती, जब तक कि यहां से ब्रेक नहीं कर जाता बैंक निफ्टी, तब तक के हम बेयरिश नहीं हो सकते बैंक निफ्टी को लेके भी, क्योंकि ये इसका एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। अगर ये ब्रेक करता है तो हम जा सकते हैं इंट्राडे के लिए एकदम छोटा टारगेट, अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आप यहां तक जा सकते हो, ठीक है। तो आराम से ट्रेड करना, कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मार्केट एकदम साइडवेज है और साइडवेज में सबसे ज्यादा लॉस होता है ऑप्शन वालों को, आपको पता है, आप भी ट्रेड करते हो। अगर हम सेकंड स्टॉक अगर ब्रिटानिया की बात करें, जो कि आप स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर सकते हो, इसके हम 30 मिनट के अंदर एनालिसिस करते हैं, आपको 30 मिनट और 1 डे टाइम फ्रेम दोनों में एनालिसिस करके बताता हूं कि एक्चुअली ब्रिटानिया में क्या हो सकता है। ब्रिटानिया की जो ये रेंज थी, ये जो ट्रेंड लाइन थी, ब्रिटानिया ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है यहां पे ब्रिटानिया ब्रेक कर चुका है। एक मिनट, यस, यहां पे ब्रिटानिया 30 मिनट में ये लेवल को ब्रेक कर दिया, देन ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, देन अगेन ये नीचे आ गया, देन एक कंटिन्यूअसली यही ट्रेंड लाइन को ना फॉलो कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते जा रहा है। तो मैं कहता हूं अगर आपको 30 मिनट में ये स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो, अगर आप मान लो 4-5 दिन के लिए, तो अगर जिस दिन ये लेवल ब्रेक हो जाती है ब्रिटानिया में, जिस दिन ये लेवल ब्रेक होगी, अगर कल मंडे को अगर ब्रिटानिया गैप अप ओपन होता है, और चेक करना अगर ये यहां से रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाए, या पहली 30 मिनट की कैंडल इसकी कुछ इस प्रकार की होगी, तो आप इसके अंदर ना वापिस अपॉर्चुनिटी, बाय की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, और आपका टारगेट लगभग यहां तक हो सकता है, चलो ये वाले लेवल तक, जो कि आपको मंडे को भी देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें इसके अलावा डिस्कस करें, तो आपको ट्यूसडे को भी एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम देखें इसका बड़ा टारगेट आपको चाहिए, तो आपको इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे ओपन करो, 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती नहीं, आपको देखने को मिल रही है एक्चुअली। अगर हम देखें कि यहाँ पे ब्रिटानिया यही लेवल को ना सस्टेन कर रहा है, मतलब कि ये लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, यहाँ आता है देन अगेन एक पुल बैक जाता है, यहाँ आता है देन वापिस यहाँ से पुल बैक, अगेन आया अगेन पुल बैक, तो अगर यहां से कल मंडे को अगर यहाँ पे ये गैप अप ओपन हो गया और एक अगर ग्रीन कैंडल बना देता है, तो आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो। और जो टारगेट ऑफ ये, अगर आप में पेशेंस है तो आप ना ऑल टाइम हाई तक की भी जा सकते हो ये लेवल तक। तो देखो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस, मार्केट हमेशा सभी लोगों का ना पेशेंस चेक करता है कि आप में कितना है। और ये ब्रिटानिया ऐसा भी हो सकता है कि मंडे को ये गैप डाउन ओपन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटानिया यहाँ से बेयरिश होने वाला है। याद रखना, कभी भी एक नई चीज सीखने को मिलेंगी आपको, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है देन मार्केट यहाँ से वापस भी पुल बैक कर जाता है एक बड़े टाइम फ्रेम में, डायरेक्ट ऐसे मार्केट नीचे फॉल नहीं हो सकता मतलब लगभग नहीं होता। तो एक बार अगर ब्रेक होता है तो ये मत सोचना कि आप यहाँ पे शॉर्ट कर दो और ब्रिटानिया यहाँ से क्रैश टाइप ऑफ कुछ भी हो जाए, यहाँ से क्रैश मतलब यहाँ ब्रेकआउट देखिए वापस ऊपर भी जा सकता है। तो आप ये ब्रिटानिया भी वॉच करो मंडे के लिए एज ए स्विंग ट्रेड। ट्यूसडे अगर मंडे को नहीं होता है तो ट्यूसडे को भी अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है तो आप बिंदास यहाँ से जा सकते हो स्विंग ट्रेड। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक स्टॉक दिया था, ये स्टॉक ना परफॉर्म नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉक में देखो अभी भी इसने कुछ बिगड़ा नहीं है इसके अंदर। अगर किसी ने बाय नहीं किया हुआ है तो मैं कहता हूं ये लेवल अगर आप चेक करो, यहां से स्टॉक ने यहां से ये लेवल ब्रेक कर दी, ठीक है। देखो यहां से मैंने क्या कहा था, अभी ब्रिटानिया में ये नीचे फॉल हुआ देन अगेन ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देन अगेन अगर मंडे ट्यूसडे ये पूरे वीक में अगर ये स्टॉक की गेल की यहां से अगर ये ब्रेक कर देता है, देन आप यहां पे इसके अंदर ना वापस बाइंग की अपॉर्चुनिटी रख सकते हो, या आप क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि अपना मैनेजमेंट लेके चलना, ना ही पूरा पैसा लगा दो, अपना स्टॉप लॉस लेके चलो और अपना मैनेजमेंट लेके चलो। तो अगर इसके अंदर वापस ये अपॉर्चुनिटी ऊपर आती है, वापस क्लोजिंग देता है और यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अगर बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, तो इसको एक ग्रीन कैंडल में यहां पकड़ लो और इसको बाय कर सकते हो। टारगेट हम यहां तक रख सकते हैं इसका आराम से, ये लेवल तक आपको इसके अंदर वापस देखने को मिल जाएगा। अगर हम चेक करें यहां से, तो आपको
ऑलमोस्ट 16% की रैली देखने को मिल सकती है। अगर आप यहां तक का भी टॉप का भी वेट कर सकते हो, आप में पेशेंस है, तो आपको ये वाला टारगेट भी देखने को मिल जाएगा। सेकंड देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर चालू है कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्रैश होने वाला है, ये होने वाला है। एक बात याद रखना, जब तक की नीचे वाला लेवल ब्रेक नहीं होगी तब तक की निफ्टी क्रैश नहीं होने वाला। और क्रैश नहीं बोलने का मतलब है कि निफ्टी के अंदर बेयरिश मूवमेंट नहीं आने वाली। और अगर निफ्टी बेयरिश मूवमेंट दे भी देता है ना तो भी कोई बात नहीं। अगर आप एक ट्रेडर हो, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो याद रखना जब भी मार्केट नीचे आएगा तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर अपनी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो लो रेट में, तो ये चीज याद रखना। तो चलो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट एनालिसिस के ऊपर, स्टॉक मार्केट टिप्स के ऊपर और भी वीडियोज ना अपलोड होते रहेंगे। तो चलो गाइस, मिलते हैं, बाय बाय।